हरिओम, मेरा नाम शलाका विराज आर्यन। अभी मैं वेंगुर्ला में रहती हूँ, लेकिन पहले मैं मुंबई में रहती थी और सर्विस करती थी। 2008 में मैंने स्वेच्छानिवृत्ति ले ली। उस टाइम क्या हुआ कि मैंने जून में सेवानिवृत्ति ली और बाद में 2008 के अगस्त में मैं और मेरे पति हम गणपति फेस्टिवल के लिए गांव में वेंगुर्ला में आए। उस समय का ये मेरा अनुभव है। क्या हुआ था कि 5 दिन का हमारा गणपति रहता है, वो विसर्जन होने के बाद में दूसरे दिन हम मुंबई वापस जाने के लिए निकले। तो मुंबई जाने के समय मैं प्रसाद के तौर पर ये मोदक या मिठाई और कुछ जो चीज़ें मुझे खरीदनी थी, वो चीज़ें खरीदने के लिए मैं और मेरे पति मार्केट में आए। मार्केट में थोड़ी बाकी खरीदी हो गई, शॉपिंग हो गई और बाद में लास्ट में हम मिठाई के दुकान पहुँचे। उधर मिठाई के दुकान में मैंने बहुत सारा मिठाई लिया बांटने के लिए या खुद के लिए वगैरह, और मैंने उनको पैसा देने के लिए मेरी पर्स निकाली। जो लेडीज़ की कैसी होती है, बड़ी पर्स होती है और अंदर एक छोटी पर्स होती है, वैसे मेरी भी अंदर एक छोटी पर्स थी, वो मैंने निकाली और पैसा देने के लिए देखने लगी। तो मुझे लगा कि इसमें पैसे बहुत कम है, इसके लिए मैंने मेरे पति को आवाज़ दिया और उनको बोला कि देखो मेरा पैसा सब खत्म हुआ है, तो अभी आप इधर पैसा दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है और उन्होंने अपना पैसा इधर दुकान में दे दिया और मैंने वो मेरा छोटा पर्स बंद करके बड़े पर्स में डाला। ऐसा मुझे लगा कि मैंने वो बड़ा पर्स में डाला, लेकिन शायद वो मैंने कभी डाला नहीं था और मुझे ध्यान में नहीं आया क्या हो गया करके। और बाद में हम वहाँ से निकले और ऑटो पकड़ के हमारे घर वापस आए। तभी पर्स में से चाबी निकालने के लिए मैंने पर्स खोला और मुझे धक्का ही लगा, क्यों मेरी छोटी पर्स जो मुझे लगा था कि मैंने अंदर डाली है वो पर्स उसमें नहीं थी। तो मैंने तुरंत मेरे पति से कहा कि भाई मेरा पर्स नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, किधर गया। तो बोले कि ठीक है, मैं घर जाता हूँ, मैं उतरता हूँ और तुम वही ऑटो से तुम वापस जाओ। तो मैं बोली ठीक है, और ऑटो वाला भी बोला कि चलो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ से आपने कुछ खरीदारी की है। तो मैं वहाँ गई, वो दुकानदार से पूछा कि ऐसा ऐसा मेरा ये वर्णन का पर्स है छोटा वाला, इधर गिरा है क्या या किसी को मिला है क्या। तो उसने बोला कि इतने सारे लोग अभी आके गए आपके जाने के बाद में, तो मुझे यहाँ को किसी ने दिया नहीं आपका पर्स, तो शायद आपने यहाँ नहीं गिराया होगा और कहीं गिराया होगा। लेकिन मुझे इतना याद था कि उसके बाद में मैंने मेरा बड़ा पर्स खोला ही नहीं था और हम लोग कहीं गए भी नहीं थे, तो इतना मुझे श्योर था कि उधर ही मैंने वो पर्स कहीं नीचे डाल दिया या कुछ तो हो गया। तो मैं बोली ठीक है, अभी वो तो ना बोल रहा है तो मुझे दूसरा कुछ पर्याय ही नहीं था। तो मैं बोली ठीक है, अगर आपको ऐसा ऐसा वर्णन की पर्स है रेड कलर की, अगर आपको किसने ला के दी तो आप संभाल के रखना। तो बोला कि ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, आजू बाजू में 2-4 दुकानदार पहचान के थे, उनके यहाँ भी जाकर बोल दिया कि ऐसा ऐसा मेरा पर्स गुम हो गया है, अगर किसी ने आपके पास ला कर दिया तो आप देख लो। तो ऐसा करके मैं चली आई घर में और उसी दिन शाम को हमको गाड़ी पकड़ के मुंबई आना था। तो ऐसे हम लोग रात की ट्रेन पकड़ के मुंबई आए। ट्रेन में मैं सोचती रही और फिर अपना सहारा तो एक ही है, कोई नहीं तो बापू ही है। बापू को ही मैंने पुकारा, मैं बोली बापू देखो उसमें मेरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेरे 2 डेबिट कार्ड्स थे और एक पेंशन का आइडेंटिटी कार्ड था, ये तो तीनों डॉक्यूमेंट, तीनों जो चीज़ें थी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और उसमें एक बापू का 9 वचनों का कागज़ था और थोड़े 10 रुपया और कुछ चिल्लर पैसे थे, उसका मुझे इतना ये परवाह नहीं था, लेकिन बापू का वो 9 वचनों का कागज़ और ये जो मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट, वो मुझे कुछ भी हालत में वापस चाहिए था। तो मैंने बापू से कहा कि बापू मुझे ये वापस चाहिए, आप कुछ भी करो। और तभी मैंने ऐसा सोचा कि बापू को तो मैंने काम लगाया, लेकिन मैं भी ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूँ क्या, मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे मन में आया। और मैंने बापू को बोला कि बापू ये मेरा सब चीज़ें मिल जाएंगी ना तो मैं 108 बार घोरकष्टोद्धारण जप करूँगी। और ऐसा ये करके मैंने वो छोड़ दिया। दूसरे दिन हम मुंबई पहुँचे और मैंने घर में ऐसा लड़के को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बोला कि चलो हम तुरंत कार्ड ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई यूज़ ना करे।
तो मैं बोली नहीं, एक तो ऐसा था कि मेरा एक सैलरी अकाउंट था और अभी रिटायरमेंट होने के बाद में उसमें सैलरी जाने की संभव नहीं थी, तो इसके लिए उसमें पैसा कुछ ज़्यादा नहीं था। और दूसरा कार्ड था वो पेंशन का कार्ड था, तो पेंशन जब जमा हो जाएगा तो ही कोई उसमें से निकाल सकता है। तो मुझे पहले कन्फर्म करना था बैंक में जाकर कि पेंशन जमा हुआ है क्या नहीं जमा हुआ है। तो मैं बोली एक दो दिन हम लोग रुकते हैं और बाद में अगर चाहिए तो हम ब्लॉक कर देंगे। तो वो बोला ठीक है। और फिर दो तीन दिन ऐसे गए और मैंने क्या किया, उस दिन जिस दिन हम मुंबई पहुँचे तो उस दिन मैंने क्या किया, मैंने बापू को बोला कि देखो बापू, मैं आज ही ये गोरख अष्टोत्तर स्तोत्र का जाप करूँगी। और वैसा मैंने पति को भी बोला कि देखो मैं अभी दो घंटा बैठ रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे गोरख अष्टोत्तर जाप करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो। मैं दो घंटा आराम से बैठ के गोरख अष्टोत्तर जाप किया और फिर बापू से प्रार्थना की कि बापू देखो अभी मेरा सब डॉक्यूमेंट्स जो गुम हो गए हैं वो मुझे जल्दी से जल्दी आप कुछ भी करो लेकिन मुझे वापस लाके दो। कितने हम लोग पागल होते हैं ना, बापू को एक ही काम है क्या कि हमारा एक सब ढूंढते बैठो। लेकिन तभी ऐसा कुछ मन में आता ही नहीं है कि बस कुछ हो गया तो बापू के पास ही जो भी है रोना धोना है बापू के पास ही करने का। तो ऐसा मैंने किया और फिर मैं अपने काम में लग गई। दो दिन कुछ हुआ नहीं तो तीसरे दिन मैं बाजार गई थी और बैंक में भी गई कि पेंशन जमा हो गया कि नहीं पूछो करके। इतने में क्या हो गया, उस दिन गुरुवार था तो शाम को हमें हरि गुरुग्राम भी जाना था क्योंकि बापू का प्रवचन सुनने के लिए। और मैंने सोचा कि बैंक में जाकर पूछ लेती हूँ। बैंक में गई तो वहाँ पता चला कि पेंशन अभी जमा नहीं हुई है। तो मैं बोली ठीक है। और जैसे मैं बैंक में गई उधर और इधर घर में मेरे पति को फोन आया, उन्होंने बोला कि आपका किसी का कुछ गुम हो गया है क्या। तो मेरे पति ने बोला कि हाँ मेरी वाइफ की पर्स ऐसी गुम हो गई है। तो उन्होंने बोला कि मैं वेंगुर्ला से बोल रही हूँ तहसीलदार ऑफिस से, और आपका जो पर्स है हमें मिला है तो आपकी मिसेज जब भी आएगी घर में तभी उनको फोन करने के लिए बोलना और मेरा नंबर ये है। ऐसा वो लेडी ने मेरे पति को बोला और उन्होंने वो नंबर नोट डाउन करके रखा। जैसे मैं घर वापस आई तभी उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था वेंगुर्ला तहसीलदार ऑफिस से और वो लेडी ने तुम्हें बोला है कि तुरंत उनको फ़ोन करो। तो मैंने वो फ़ोन नंबर लिया और वो लेडी को फ़ोन किया। तो बोले कि आपका ही पर्स का आप कुछ पहचान बताओ उसमें क्या है वगैरह। तो मैंने जो भी मेरा सामान था उसमें डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने उनको बताया। तो बोले हाँ ठीक है सही है, ये आपका ही पर्स है तो आप इधर आकर ले कर जाओ। तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं मुंबई में हूँ और मैं अभी इतना जल्दी उधर आने वाली नहीं है, लेकिन मेरे पहचान की जो लड़की है उसको मैं फ़ोन करके बोलती हूँ और उसको भेज के वो आपके पास आएगी और वो मेरा पर्स लेकर जाएगी, तो आप उसको फोन ये पर्स है दे देना। तो मैंने उसका नाम वगैरह उनको बताया। तो बोली कि ठीक है मैं जैसा आपने बोला है वैसा मैं करूँगी। फिर जो हमारी पहचान की लड़की थी उसको मैंने फ़ोन किया, मैं बोली ऐसा ऐसा हो गया है और तुम जाकर जरा वो पर्स ले लेना, उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें हैं तो उनको बता देना कि ऐसे चीज़ें आपको बोला है और ये है करके। तो वैसे वो ऑफिस में गई और उसने वो पर्स अपने कब्जे में लिया और मुझे फ़ोन किया कि मुझे पर्स मिला है। तो मैं बोली ठीक है बाद में तुम मुझे कुरियर करके ये सब भेज देना। तो बोली ठीक है करके। अभी देखो बापू की लीला कैसे शुरू हो गई थी। जो तहसीलदार ऑफिस जो है, कार्यालय जो है, वो बाजार से 1.5 किलोमीटर लंबा है। और मैंने वो लेडी को जब भी फ़ोन किया तो उसको मैंने पूछा कि आपको ये पर्स वहाँ कैसे मिला। तो बोले कि एक हमारा क्लर्क है वो गणपति के लिए छुट्टी पर था और वो आज ही ऑफिस में आया और उसने अपना ड्रॉवर खोला, मतलब उसको बंद था, लॉक था ड्रॉवर, वो लॉक खोला उसने तो अंदर ये पर्स मिला। ये पर्स तो मैं सुन के इतनी हैरान हो गई कि जो आदमी छुट्टी पर था उसका ड्रॉवर पूरी तरह से लॉक था, उसमें वो मेरा बाजार में गुम हो गया पर्स वहाँ कैसे आ पहुँचा। और इतने हैरानी की बात, तो मैं बोली देखो कि बापू को किसी चीज़ के भी उसको अटकाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उसे अटकाव नहीं कर सकते, चाहे बंद दरवाज़ा हो, चाहे बंद ड्रॉवर हो, या और बंद ऑफिस हो, कुछ भी हो तो भी बापू वहाँ पहुँचेंगे ही और जो अपना कार्य करने का है वो करेंगे ही। और इस तरह से बापू ने अपनी लीला दिखाई। मैं बापू इनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं अम्बज्ञ हूँ, हरिओम बापू।